ऐसी महिलाएं जिनको फाइब्रॉइड यूट्रस है, उनका एक सवाल रहता है कि क्या फाइब्रॉइड यूट्रस का इलाज बिना सर्जरी के या बिना चीरा लगाए भी किया जा सकता है? तो इसका देखिए जवाब हाँ भी है और ना भी है। आप वीडियो को आखिर तक देखना होगा ये जानने के लिए कि बिना चीरे के या बिना सर्जरी के फाइब्रॉइड यूट्रस का इलाज क्या हो सकता है और क्या आपको सर्जिकल इलाज चूज करने की जरूरत है, किस समय आपको सर्जिकल ऑप्शन चूज करना चाहिए। आइए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और फर्दर किस तरह की वीडियो देखना पसंद होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जान लेते हैं कि भाई फाइब्रॉइड यूट्रस होता क्या है। एक्चुअल में बच्चेदानी के अंदर अगर गांठ बन जाती है, जिसको रसौली कहते हैं, जो कैंसर की गांठ नहीं होती है, तो उसको फाइब्रॉइड यूट्रस कहते हैं। इसके कुछ गंभीर लक्षण भी आने लगते हैं, हालांकि इसका साइज पे डिपेंड करते हैं सारे के सारे लक्षण। ये साइज जो है छोटे चने या मटे मटर के दाने के बराबर से लेके बड़े तरबूज के आकार के साइज भी हो सकता है। शुरुआती दिनों में जब ये साइज बहुत छोटा होता है तो कई बार मरीज को पता भी नहीं लगता है कि उसको फाइब्रॉइड यूट्रस है, लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ने लगता है मरीज को लक्षण आने लगते हैं, और उन लक्षणों में मरीज को कमर में दर्द होना, मेंसेस के दौरान पेड़ों में दर्द होना, इवन पेट के निचले हिस्से में भारीपन लगना, उसके अलावा यूरिन की फ्रिक्वेंसी का बढ़ जाना और हैवी ब्लीडिंग्स होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, लेकिन कई कई बार महीने के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाना या स्पॉटिंग हो जाना, और कई कई दिनों तक कंटिन्यू ब्लीडिंग का आते रहना, ये फाइब्रॉइड यूट्रस के या बच्चेदानी की रसौली के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। जब ये लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब मरीज डॉक्टर की तरफ रुख करता है। अब उसके पास ऑप्शन होता है कि भाई अब ये सर्जरी कराई जाए या ना कराई जाए, और वो फिर इस तरह के सवाल भी पूछता है मरीज या ढूंढता भी ऑप्शन कि क्या कोई नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल है। बिल्कुल ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिए इलाज का ऑप्शन चूज करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है आपकी एज। अगर आप उस एज में है कि आपको आगे बच्चा चाहिए या बच्चा प्लान करना है, तो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि आपका यूट्रस निकाल दिया जाए। तो आपके लिए उस समय चाहिए ऐसा कोई इलाज जिसमें या तो दवाइयाँ या फिर कोई हल्के फुल्के प्रोसीजर से यूट्रस आपका बचाया जा रहा है और फाइब्रॉइड बाहर निकल जाए। दूसरा डिपेंड करता है आपके लक्षणों के आधार पर, देखिए कि आपके लक्षण कैसे हैं। बहुत सीवियर सिम्टम्स तो नहीं है, जो फाइब्रॉइड है उसका साइज बहुत बड़ा तो नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का इलाज करना चाहिए। लेकिन आप जब भी ये इलाज लेने जा रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर सर्जरी एडवाइस भी करता है तो उससे पूछे जरूर एक बार कि भाई डॉक्टर साहब क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, क्या हम किसी दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, क्या कोई दवाइयाँ नहीं है, या कुछ आप इंजेक्शन भी लगाते हैं हार्मोनल, उनसे भी हमने सुना है कि जो फाइब्रॉइड है उन कुछ सिकुड़ जाते हैं, कुछ तरह की दवाइयाँ आती हैं, या एक और प्रोसीजर होता है जिसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा आगे, क्या वो हम कर सकते हैं? क्योंकि जो रिमूवल ऑफ यूट्रस है वो तो लास्ट ऑप्शन है। तो एक बार यूट्रस रिमूव हो गया, हिस्टेरेक्टमी हो गया, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो इस बारे में जरूर अपने डॉक्टर से बात करें। तो जैसे हमने बात की कि भाई हिस्टेरेक्टमी में तो आपके यूट्रस को ही पूरे को निकाल दिया जाता है, उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसको हम मायोमेक्टोमी कहते हैं। अक्सर ये जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं, जो छोटे फाइब्रॉइड्स होते हैं, लेकिन थोड़े से बिगर साइज के फाइब्रॉइड्स के लिए भी ये इलाज काफ़ी कारगर होता है। इसमें सिंपली आपको बिना कोई चीरा लगाए ही आप हिस्टेरोस्कोप के थ्रू और कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वजाइनल रास्ते से वहाँ से थोड़ा जो अंदर की यूट्रस की वॉल होती है और उस पूरे फाइब्रॉइड को बाहर निकाला जाता है, इसको मायोमेक्टोमी कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा इलाज का ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो यूट्रस को रिमूव नहीं कराना चाहते हैं। उसके अलावा जो दूसरे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं, कुछ तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट हैं जिसमें आपको पेन किलर्स दे दिए जाते हैं या ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो, बट इनसे सिर्फ ब्लीडिंग कम होती है, आपके कुछ सिम्टम्स कम होते हैं, कुछ आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि पेन किलर्स भी दे दिए जाते हैं। आपकी डाइट का भी इसमें काफ़ी अच्छा असर होता है। आप अगर ऐसी डाइट्स लेते हैं जिसमें सब्जियाँ ज़्यादा हों, हरी सब्जियों का ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फाइबर रिच अगर आप डाइट लेते हैं और आप रेड मीट खाना कम कर देते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक फायदा मिलता है कि आपके फाइब्रॉइड का साइज ना बढ़े। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये आपके सिम्टम्स को तो कम करते हैं, बट इससे फाइब्रॉइड का जो साइज है वो कम नहीं होता है। फाइब्रॉइड के साइज को कम करने के लिए कुछ हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं जिनको हम गोनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं, और उसके अलावा दूसरा होता है SERMs के नाम से, जिसको सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स के नाम से जानते हैं। इनके इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि इसको आप बहुत लंबे समय तक नहीं दे सकते। इनको मैक्सिमम 3 से 6 महीने तक दिया जाता है, हर एक महीने के अंतराल पर कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनसे धीरे धीरे जो है ना फाइब्रॉइड का साइज जो है वो सिकुड़ने लगता है।
लेकिन इसका ड्रॉबैक यह है कि एक तो ये आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं, 3 से 6 महीने तक का इसका एक शेड्यूल होता है, और दूसरे ये जो इंजेक्शन्स हैं, जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, काफ़ी महंगा भी होता है। तो इसलिए आप जब चूज़ करें, आप पे डिपेंड करता है, अपने डॉक्टर से बात करके ये ऑप्शन भी आप इलाज का चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई आपको इस इलाज में जाना है या आपको सर्जिकल इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, कि आपकी एज क्या है, फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, आपको सिम्टम्स कितने आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकती है, या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के साथ में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें आपका डॉक्टर बैलेंस करके देखता है, देन ही टेक्स डिसीजन के भी आपको किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा और आपके लिए कौन सी फायदे की चीज़ होगी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि भाई ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये ट्रीटमेंट के ऑप्शन भी हैं, और सीधे डॉक्टर कहता है आपको सर्जरी करानी है, और हमें भी लगता है यार इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, चलो सर्जरी ही करा लेते हैं। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप ये डिसीजन लेने से पहले, यूट्रस को रिमूव करने से पहले, अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें कि नॉन सर्जिकल या मिनिमल सर्जिकल ऑप्शंस कौन कौन से हैं जिससे फाइब्रोइड यूट्रस का इलाज हो सकता है। जैसे एक और तरीका होता है इलाज का, जिसको हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, फाइब्रोइड के ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें कई बार बड़े फाइब्रोइड्स भी ठीक हो जाते हैं, जिसको एम्बोलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है इस फाइब्रोइड को, उसके अंदर एक दवाई इंजेक्ट कर दी जाती है, जिसको पीवीए या पोली विनाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये दवाई क्या काम करती है कि आगे ब्लड सप्लाई को रोक देती है। जब आगे ब्लड सप्लाई रोक जाती है फाइब्रोइड की तरफ, तो जो फाइब्रोइड का साइज है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ये श्रिंक हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव इलाज होता है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर्स डिसीजन एंड योर सिम्टम्स एंड योर एज, अगर इनमें से कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको चूज करना चाहिए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप कम से कम अपने यूट्रस को निकालने से बचा सकते हैं। हालांकि यूट्रस निकालने के बाद देखिए उसके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं आपकी लाइफ में, जो आपके हमेशा मन में भी सवाल ये रहता है कि भाई यार यूट्रस की सर्जरी करा लेंगे तो आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए आप आई बटन में देख सकते हैं, मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाया था कि हिस्टरेक्टॉमी के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और आप जब भी हिस्टरेक्टॉमी का डिसीजन लेने की बात करेंगे तो इन सारे ऑप्शंस को पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे। और डेफिनेटली आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और वाकई आपको जानकारी अच्छी लगी, और अगर आपके काम की ये जानकारी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करेंगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्प इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।